हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैंप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीजमल। दोस्तों, आज से मैं नया ट्यूटोरियल चालू करने जा रहा हूँ डिजाइनिंग के ऊपर में। सॉफ्टवेयर में काम किस तरह से किया जाता है, सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आपको मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर होते क्या है और इस पे काम किस तरह से किया जाता है। पहले का टाइम था, हम हाथ से काम करते थे, कोई भी काम, मशीनरी काम, जो भी हम मशीन के पार्ट पुर्जे बनाते थे वो हाथ से काम करते थे। लेकिन फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आज से नहीं, काफी दिनों से सॉफ्टवेयर पे लोग काम कर रहे हैं। तो हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर पे मॉडल कैसे बनाते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर से काम किस तरह से किया जाता है और सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताऊंगा मॉडल किस तरह से बनाते हैं और प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में करके बताइए कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में मॉडल बनाना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एनएक्स है, मास्टर कम है, कैटिया है, सॉलिड वर्क है, आप जिसमें सीखना चाहेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड वर्क से। सॉलिड वर्क में मॉडल कैसे बनाते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। बहुत से जो साथी यहाँ पे नए हैं, जो स्टूडेंट हैं नए हैं, उनको मालूम नहीं सॉफ्टवेयर होता क्या है और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप समझिए सॉफ्टवेयर होते क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमारा देखते रहेंगे, आज से मैं वीडियो डालता रहूंगा, हर हफ्ते में एक वीडियो दो वीडियो आपको डालता रहूंगा कि सॉफ्टवेयर के ऊपर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और काम किस तरह से इस पे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सॉलिड वर्क। ये देखो, ये हमारा सॉलिड वर्क, हमारे कर्सर को आप देखिए, आप देखो यहाँ पे, ये हमारा सॉलिड वर्क, देखो लिखा हो सॉलिड वर्क। इसमें प्रोग्रामिंग भी होती है और मॉडल भी बनाए जाते हैं। सॉलिड वर्क में प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं और मॉडल भी बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा मॉडल बनाना और प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा आपको पावर मिल में, क्योंकि पावर मिल में बहुत बहुत जगह है पावर मिल। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में पावर मिल लगभग 50% मान के चलिए, 50% इंडस्ट्री में आपका पावर मिल मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको पावर मिल सिखाऊंगा कि काफी उपलब्ध है, ज्यादा लोगों के पास में पावर मिल है। सॉलिड वर्क में आपको मैं मॉडल बनाना सिखाऊंगा और सॉलिड वर्क में प्रोग्रामिंग करना भी सिखाऊंगा, लेकिन बाद में आपको, सबसे पहले मैं सॉलिड वर्क में मॉडल बनाना सिखाऊंगा और ऑटोडेस्क पावर मिल में आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सॉलिड वर्क के ऊपर में। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, मैं डबल क्लिक कर दिया, अब हमारा ये ओपन हो रहा है, ये हमारा खुल रहा है। तो कुछ टाइम लेता है, 1 घंटे या 1 मिनट या 2 मिनट, दोबारा क्लिक करते हैं, ये हमारा इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि इसे मैंने खोल रखा है। आप देखो, मैंने इसे खोल रखा है, ये देखो, ये हमारा सॉलिड वर्क ओपन हो गया। जब पहली बार आप सॉलिड वर्क खोलोगे तो कुछ इस तरह से होगा, देखो हमारा ओपन हो गया। हम करके फाइल में जाएंगे, न्यू पार्ट, ये आपका देखो इस तरह से कुछ इंटरफेस इसका आ गया सॉलिड वर्क का, इस तरह से सॉलिड वर्क का इंटरफेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें एक मॉडल बनाएंगे। मैं क्या करूंगा, इसमें एक सर्कल बनाऊंगा। तो ये देखो आपका, इसमें जो भी जितने बटन हैं, आप देखो यहाँ पे जितने भी आइकॉन है, ये सारे आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, एक एक बटन के बारे में आपको बताऊंगा, इसका काम क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है। आप फीचर में जाओ, देखो ये बहुत सारे बटन से ये हाइड हुए हैं, फिर ये हाईलाइट में आ जाएंगे आपको। तो जितने भी हैं इसके काम कहाँ है, यूज कहाँ है, सारे मैं आपको बताऊंगा। एक सिंपल है, ईजी है, आप जब तक कोई काम आप को नहीं आता है या फिर आप करते नहीं उसे, तब तक वो बड़ा लगता है आपको, बहुत हार्ड लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हैं तो बाद में आपके लिए वो इजी हो जाता है। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वही काम आपको इजी हो जाता है। सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे इसमें तो आपको टाइम नहीं लगेगा, धीरे 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 आपको सब कुछ आने लगेगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं
तो ये मन से पूरा डर निकाल दीजिए कि सॉफ्टवेयर में आप नहीं सीख सकते हैं। आपका एजुकेशन क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ में आप भी आगे बढ़िए। तो जानते हैं फ्रंट प्लेन, आप देखो यहाँ पे ये है फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। अगर आप चैनल पे नए हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फ्रंट प्लेन क्या होता है, टॉप प्लेन क्या होता है, राइट प्लेन क्या होता है। धीरे धीरे जब आप देखोगे वीडियो को तो सब चीजें समझ में आपको आने लगेंगी। तो हम काम करेंगे टॉप प्लेन पे, हम काम करेंगे टॉप प्लेन पे। हमने क्या किया, टॉप प्लेन पे क्लिक किया और नॉर्मल टू, ये देखो ये आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप देखें टॉप लेन को, तो ये सही नहीं है। तो हम क्या करें, नॉर्मल टू कर देंगे, तो आपका ओके हो गया, सीधा हो गया रेक्टेंगल में, ये सीधा हो गया। हम इस पे काम करेंगे टॉप लेन पे। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, हम क्या करेंगे एक सर्कल बनाएंगे। हम गए स्केच में और एक सर्कल लेंगे, हम देखो यहाँ सर्कल लिखा हुआ है, हम सर्कल लेंगे और यहां से सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप देखो यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे हम, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। देखो हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हम कर देंगे यहाँ पे ओके। अब इसका साइज क्या है, साइज तो हमें मालूम नहीं है, इसका साइज तो चाहिए हमें कि कितना है, 20 mm है कि 30 mm है कि 50 mm है या 100 mm है। तो साइज के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, आप देखो कर्सर में लेके जा रहा हूँ, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप आओगे, आप इसको नजदीक मिलाओगे, जब हल्का रेड आपको दिखने लगे, देखो जैसे मैं नजदीक ला रहा हूँ वैसे आपको रेड दिख रहा है, देखो रेड हुआ आपका, जहां पर रेड हो जाए वहां पर क्लिक कर दो आप, तो आपका ये डायमेंशन बताएगा, आपका ये आ गया 5.35। आप डायमेंशन आप देख लो, ये आपका आ गया 5.35, ये आपका इंच का डायमेंशन है, ये आपका साइज इंच का है। हमें एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एमएम में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह से एमएम बनाएंगे। फिलहाल हम चाहते हैं यहाँ पे ये 10 इंच हो, हम चाहते हैं ये 10 इंच हो, तो हम इसे कर देंगे 10, ये हो गया हमारा 10 इंच, देखो ये हो गया हमारा 10 इंच। अब इसे कर देंगे ओके, ये हमारा 10 इंच का हो गया, देखो आप ये 10 इंच का हो गया। बस हमें एक सर्कल दिख रहा है, ये आप देखो हमें एक सर्कल दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा कुछ मोटाई हो, इसकी कुछ मोटाई हो। तो हम क्या करेंगे, फीचर में जाएंगे, हम जाएंगे फीचर में, जाएंगे फीचर में गए हम। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड बॉड बेस, एक्सट्रूड मतलब इसको थोड़ा हम मोटा करेंगे इसे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखो यहाँ पे कितना रखना है आपको, यहाँ पे देखो ये इसकी मोटाई कितनी रखनी है, देखो ये मोटाई बढ़ रहा है आपका, हम कर देंगे 1 इंची, ये देखो हमारा हो गया 1 इंच, इसकी मोटाई हो गई आपकी 1 इंच, हमने क्या किया इसे 1 इंच कर दिया, कर देंगे ये देखो हमारा एक सर्कल बन गया 1 इंच का। ये देखो हम देखें ये हमारा सर्कल बन गया 1 इंच का। मैं आपको मॉडल बनाना सिखा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल हो गया, प्लेट मान के चलिए, ये आपका एक प्लेट है, 1 इंची मोटा प्लेट है और 10 इंची इसकी डाया है। अब हम चाहते हैं इसमें एक होल करना, यहां पे चाहता हूं मैं होल करना, तो मैं क्या करूंगा, स्केच में जाऊंगा और फिर एक सर्कल लेंगे, दोबारा से मैं एक सर्कल लूंगा और इसके सेंटर पॉइंट में आएंगे, ये देखो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में आएंगे और यहाँ पर हमने इसे क्लिक कर दिया और इसका हम साइज दे देंगे 2 इंच। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, हम इसका साइज दे देंगे 2 इंच, हमने क्या किया इसका साइज दे दिया 2 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए क्या करेंगे, हम फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट, आप देखो यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट, हमने एक्सट्रूडेड कट किया और यहाँ पे हमने जाके कर ब्लाइंड, ब्लाइंड में जाके हम थ्रो वाल कर देंगे,
कर देंगे। ओके, अब देखो आपका यहां से कट गया,